आज यानी 30 मार्च को सभी टीमों के कप्तान आईपीएल से ठीक एक दिन पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराते हुए नजर आए थे, लेकिन उनमें आईपीएल इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके उपलब्धता को लेकर कई कयास लगाए जाने लगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। 30 मार्च को जब सभी टीमों के कप्तान ट्रॉफी के साथ फोटोशूट के लिए आए, तो सभी की नजरें सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी को अपने हाथ में रखने वाले रोहित शर्मा पर थी, लेकिन हिटमैन वहां मौजूद नहीं थे, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि वे किसी एड शूट की व्यस्तता को लेकर इस खास कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन शाम होते स्थिति साफ हुई है कि रोहित शर्मा बीमार होने के कारण उस आयोजन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। दरअसल मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की तबीयत अचानक से बेहद ख़राब हो गई थी, इस कारण वे सभी टीमों के कप्तानों के साथ फोटोशूट में शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि उनकी स्थिति की गंभीरता को किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ऐसे में यह मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आईपीएल 2023 से जुड़ी ऐसी ही और ढेर सारी खबरों के लिए हमारे चैनल क्रिकेट फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जय